गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी के लिए सुप्रभात। और आज की खबर के साथ हम हाजिर हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी यही उम्मीद और यही हमारा प्रयास है कि एसटीटी छात्रों का रिजल्ट जो है वो जल्दी जारी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज आप देख सकते हैं, जैसे कि आलोक श्रीवास्तव जी ने ये ट्वीट किया है, एक मिनट पहले का ये ट्वीट है, डबल बेंच में बिहार बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अब डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। एसटीटी रिजल्ट पर जो स्टे लगा है उसे हटाने के लिए सबसे बड़ी सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको लेके आया हूँ। तो शिक्षा जगत संबंधित सभी खबरों को आज हम जानेंगे, लेकिन सबसे अच्छी खबर जो सामने उभर के आ रही है कि डबल बेंच में बिहार बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डबल बेंच में बिहार बोर्ड जाने की तैयारियों पे जुटा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ कि 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए रास्ता जो है कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि डबल बेंच में बिहार बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है बिहार बोर्ड एसटीटी रिजल्ट पर जो है स्टे है वो हटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एसटीटी रिजल्ट पर जो स्टे है उसे हटाने के लिए डबल बेंच में जाने की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। आलोक श्रीवास्तव बिहार एसटीटी का वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, इन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है, अगर डबल बेंच में बिहार बोर्ड अगर जाता है तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो साफ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीटेट दिसंबर का फैसला आने के बाद 94,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया खोल दी गई है, वहीं कह सकते हैं कि डबल बेंच में अगर सरकार जाती है तो एसटीटी पर से जो स्टे जो हटेगा और रिजल्ट जारी होने के आसार हैं। आगे देखिए, खबर आई है कि शिक्षक बहाली पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई बिहार के 94,000 अभ्यर्थियों का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। शिक्षक बहाली पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने उभर के आया है। 23 नवंबर 2019 से पहले के उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल, बाद वाले अभ्यर्थियों को अभी करना होगा नई वैकेंसी का इंतजार। देख सकते हैं, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। 23 नवंबर 2019 से पहले हुई सीटीईटी परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों पर पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस बार की बहाली में 23 नवंबर 2019 के पहले के पास सीटीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसमें दिसंबर सीटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें नई बहाली का इंतजार करना होगा। तो कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट का बड़ा फरमान आया हुआ है और इससे बहाली का रास्ता कहीं ना कहीं खुल चुका है। दिसंबर सीटेट और प्राथमिकता को लेकर जो बहाली की प्रक्रिया फंसी हुई थी, इस बहाली की प्रक्रिया के अड़चन अब कहीं ना कहीं समाप्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर पटना हाई कोर्ट का बिल्कुल सही जजमेंट आया है। 2019 में 5 जुलाई को जारी हुई थी अधिसूचना। बिहार में शिक्षा विभाग के प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए गत वर्ष 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी। 8 जून को प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन में कहा गया कि NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET तथा CTET पास उम्मीदवार 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए मेधा सूची को तैयारी सहित उसका अनुमोदन, सूची का प्रकाशन, आपत्ति का निराकरण सभी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है पटना हाई कोर्ट का एक फरमान आया है और इस फरमान के द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई है कि अब कहीं ना कहीं बहाली में कोई भी अड़चन नहीं आएगा। सुनवाई बिहार के 94,000 अभ्यर्थियों का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको ये अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ, बिहार रिजल्ट का जो अपडेट आया था कि बिहार री एग्जाम एसटीटी रिजल्ट न्यायालय के द्वारा जो 15 तारीख को सुनवाई की गई थी, इससे एक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि फिर से री एग्जाम हो, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट है उसने बेल्ट्रॉन को ये आदेश दिया था कि सिलेबस को जारी करे, उसके बाद परीक्षा ले। और अभ्यर्थियों की मांग भी थी कि बिहार बोर्ड सिलेबस दे, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस नहीं दिया गया और परीक्षा को प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर एसटीटी को फंसाया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस कमेटी का भी हाथ है जो कि बेल्ट्रॉन है, क्योंकि बेल्ट्रॉन ने जो है समय पे जो है सिलेबस का प्रकाशन नहीं किया, जिससे कि अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें बिना सिलेबस का और पैटर्न ना पता होने से उच्च स्तरीय परीक्षा देनी पड़ी। अब कहा जा रहा है नॉमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिजल्ट जारी होगा, तो अब ये कैसे संभव है ये तमाम चीज़ें आगे समय बताएगा क्या कुछ होता है। आगे देखिए, खबर आया है कि 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को हाई कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। तो इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भाई इस नियोजन प्रक्रिया से जुड़े हाई कोर्ट के कुछ बड़े फैसले हैं। तत्काल नियोजन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्तमान नियोजन में नहीं मिलेगा मौका।
तो इस तरीके से जो है एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। और इस अपडेट के माध्यम में से आप देख सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं जो है वो मंजूरी अब मिल गई है। और पटना हाई कोर्ट से मंजूरी मिलते ही अब बहाली की प्रक्रिया में कोई भी अड़चन नहीं आएगा, त्वरित गति से बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाएगी। अब क्या क्या देखिए यहाँ पे डिसीजन आया है, थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे छठे चरण शिक्षकों के 94,000 से अधिक पदों पर नियोजन की प्रक्रिया करीब 1.5 साल से लटकी हुई है। 5 बार से अधिक इसके शेड्यूल जारी किए जा चुके हैं। दरअसल इस महीने में पटना हाई कोर्ट में कुछ खास याचिकाएं दाखिल की गई। इनकी सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कई तरह की विसंगतियों को दूर करते हुए नियोजन की बाधाओं को दूर किया है। सबसे पहले NIVS के 18 माह का डेलेट को हाईकोर्ट ने मान्य किया। राज्य सरकार ने NCT के एक आदेश के आधार पर इन्हें अमान्य किया था। डेलेट को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के आदेश को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा गया कि डेलेट और बीएड वालों की संयुक्त सूची बनाई जाएगी। और अब दिसंबर 2019 CTET उत्तीर्ण करने वाले वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में मौका देने की मांग हाईकोर्ट कर रहा है। अब देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के एकल पीठ ने जो आदेश दिया है, तत्काल उस आदेश से अब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करने की बात कही जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को हरी झंडी दे दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने एकल पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश दिया कि जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। और अब देखिए बहाली की प्रक्रिया को जो है मंजूरी मिल चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट की हरी झंडी, और इससे कई सारे चंदाखोरों की भी आज पोल खुल जाएगी। कई सारे बिहार में ऐसे चंदाखोर हैं जो कि CTET दिसंबर अभ्यर्थियों से पैसा लेके पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिए थे और आज उन बिचारों का पैसा डूब चुका है। तो प्लीज़ इस प्रकार के चंदाखोर इंसान से दूर रहें। और ये इंसान जो है पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अब ये कौन है आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? मैं किसी प्रकार से किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इसी बंदे ने जो है STT का रिजल्ट भी फंसाया था। जब शिक्षकों के STT का रिजल्ट जारी होने का समय आया था तो इस बंदे ने STT का रिजल्ट जो था वो फंसा दिया था, और जिसका कारण आज ये है कि STT फंसता ही चला गया। और आगे भी क्या संभावना है, आप क्या उम्मीद लगाते हैं? आप उम्मीद ये लगाते हैं कि आगे धांधली नहीं होगी? क्या आपको ये उम्मीद है कि आगे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी? जब एक बार गड़बड़ी पाई जाती है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जिस प्रकार से चुप्पी साधी हुई थी और खुलकर कोई बात नहीं की, जब परीक्षा हुई तो बड़े बड़े दावे किए गए, उस समय उन्होंने खुल के बातें की कि भाई जो परीक्षा हुई है वो बिल्कुल स्वच्छ हुई है, किसी प्रकार की कहीं पे विसंगति नहीं पाई गई है, तमाम बातें की गई है। उसके बाद तुरंत स्टेटमेंट बदल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि परीक्षा में भाई गड़बड़ी पाई गई है। अरे भाई, अगर कहीं भी परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है तो आप उन केंद्रों की परीक्षा रद्द कीजिए, उनका परीक्षा लीजिए। उनकी परीक्षा 26 जनवरी को दोबारा कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन केंद्रों की परीक्षा भी रद्द की गई जहाँ की साफ सुथरी परीक्षा हुई थी। तो ये कह सकते हैं दुर्भाग्य है, बिहार के छात्रों का दुर्भाग्य है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे चंदाखोर पैदा हो गए हैं बिहार में जो लोगों के पैसे को ऐंठ के जो है बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। तो इन लोगों से सतर्क रहिए और आपसी मतभेद को समाप्त कीजिए, एक यूनिटी तैयार कीजिए आपस में। जब तक शिक्षक एक नहीं होंगे, शिक्षा विभाग किसी भी प्रकार से किसी बहाली को पूरा नहीं करेगा। आप लोग आपस में लड़ते हैं, कोई प्राथमिकता की केस को लेके लड़ रहा है, कोई 2011 में डाइट PTC वाले जो है उन्होंने अलग केस कर दिया, वो अलग लड़ रहे हैं आपस में। दिसंबर CTET ने बहाली को रोकने के लिए केस कर दिया। अरे भाई, आप इंतज़ार कीजिए ना, जब एक बहाली आपकी पूर्ण होगी तभी तो दूसरी बहाली निकलेगी। तमाम बातें हैं जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। एक यूनिटी दिखाइए, जब तक शिक्षक का एक संघ होना चाहिए और इस संघ में अपना एक फैसला होना चाहिए। तो जब तक आप सभी लोग जो हैं एक यूनिटी नहीं बनाएंगे और एक संघ के द्वारा जो है इसका निर्माण नहीं करेंगे कि भाई हमें आगे एक एकजुट होकर कार्रवाई करनी है, तब तक भाई किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। अब कहीं ना कहीं विभाग ने जो है पटना हाई कोर्ट का जो फरमान आया है उसके बाद जो बहाली की प्रक्रिया खोल दी गई है, लेकिन अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, 94,000 से चौकी बहाली की प्रक्रिया को हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन प्राथमिकता केस को लेकर कुछ लोग डबल बेंच में अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि भाई आप 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद सरकार फिर से खोलेगी बहाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्तियां बिहार में हैं कि सरकार को रिक्तियां फिर से खोलनी ही पड़ेगी।
आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से रोज ये खबर आई कि 33,916 माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भरने हैं। तो जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा ये पद कैसे भरे जाएंगे? तो विभाग खुद चाहता है आपका रिजल्ट देना, इसीलिए तो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहा है विभाग, स्टे हटाया जाए, एसटीडी का रिजल्ट जारी किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या कि री एग्ज़ाम फिर से हो, और क्या गारंटी होगी कि फिर से तीसरी बार जो री एग्ज़ाम हो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना पाई जाए, फिर से कोर्ट केस ना हो? तमाम बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने की है, तो अपनी राय जरूर दी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।